हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद आरआर। और आज कहीं जा रहा हूँ मैं, एक्चुअली कार से फिलहाल तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। सो इस बार एक छोटा सा ट्रिप है, ज़्यादा बड़ा ट्रिप नहीं है, जस्ट वन डे ट्रिप है। कुछ काम से मैं जा रहा हूँ कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता जा रहा हूँ। आज सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, आज डेट है 30th of September। सो वहाँ पर एक्चुअली मेरा US वीज़ा का बायोमेट्रिक होना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई दिल्ली से कोलकाता सिर्फ बायोमेट्रिक लिख क्यों, क्योंकि गाइस बहुत ही बुरा हाल है US वीज़ा के लिए राइट नाउ। आज का अपडेट यह है कि कुछ 800 डेज का भी वेट टाइम है अगर आप US वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। सो दैट कम्स आउट टू बी लाइक 2024 या 2025 में आपको अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। सो मैंने भी बहुत पहले अप्लाई कर रखा था, मेरा तो मार्च का था 2023 का एक्चुअली। पर हाँ, मैंने कभी भी कई बार रातों में ट्राई करते रहा कि कहीं स्लॉट्स कुछ ओपन हो, तो बाय लक और कहो बाय चांस मेरे को एक रात पे ये सितंबर का डेट मिला, 30th of September का। और मैंने फटाक से बुक कर ली और मेरा वीज़ा इंटरव्यू भी अक्टूबर 14th का मिल गया। सो बाय चांस मुझे ये मिल गया। सो मैंने सोचा यार क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि US का टूरिस्ट वीज़ा कई समय से सोच रहा था लगाने का, जस्ट दैट की अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रहे थे। सो बस उसी के लिए निकल रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि एयरपोर्ट खुद ही गाड़ी चला के जा रहा है यार ये बंदा, तो कैसे क्या करेगा। सो इस बार मैं पहली बार पार्क एंड फ्लाई का यूज़ करने वाला हूँ। सो पार्क एंड फ्लाई बेसिकली एक आपने अगर टर्मिनल 3 देखा होगा दिल्ली का, तो इन लोगों को पता टर्मिनल 3 और कार पार्किंग है मल्टी लेवल, वहाँ पे आप एक्चुअली अपनी कार पार्क कर सकते हो जितने दिनों के लिए आप चाहो उतने। अगर आप जा रहे हो कहीं बाहर, वहाँ आप लगाओ और आते समय वापस वहीं से, इट्स लाइक नॉर्मल पार्किंग है बस। हाँ, उसको फ्लाइन पार्क का नाम दिया है एंड इट्स लाइक 600 है पर डे चार्जेस, लाइक फॉर 24 आवर्स। आई थिंक इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, पर हाँ यार ठीक है, एयरपोर्ट है पता ही, एयरपोर्ट पर हर चीज़ प्रीमियम होती है, तो उसके हिसाब से ठीक है, वो पर डे 600 है तो चलता है अभी, तो वहीं पे गाड़ी लगाऊंगा। एंड देन फर्स्ट को नाइट में मेरी रिटर्न फ्लाइट है, तो अराउंड 11:30 बजे मैं दिल्ली वापस पहुंचूंगा और फिर अपने गाड़ी में बैठ के घर वापस। सो आगे मैं आपको ये जो पार्किंग है मैं उसका आपको डिटेल देता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर है। फिलहाल तो मैं बस पहुँचने वाला हूँ एयरपोर्ट, आई थिंक अनदर 5 से 7 मिनट में। लेट नाइट का ये फ़ायदा कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो आप आराम से पहुँच जाते हो। सो मिलता हूँ आगे। सो गाइस, एयरपोर्ट तो पहुँच गया हूँ और बस अब कार पार्किंग वाले एरिया में जा रहा हूँ। सो ये टर्मिनल 3 है, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है कोलकाता की वो विस्टारा है, विस्टारा टर्मिनल 3 से ही फ्लाई करती है। एंड बस इधर ही जा रहा हूँ। पार्किंग है मेरी किधर से? अच्छा इधर हो गई। सो अब इन्होंने यहाँ पे बना दिया आई थिंक, लगता है। हाँ, फास्टैग लेन। मेरे पास प्रीपेड परमिट है तो पूछना पड़ेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं और अभी पहले पता करते हैं कि क्या सिस्टम है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या है, पूछता हूँ गार्ड्स है। चलो जी, इस टिकट से अच्छा 35 मिनट्स आई थिंक फ्री है, लेवल 1 डोमेस्टिक, लेवल 1 पे डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं, लेवल 2 पे इंटरनेशनल हैं। तो पता करते हैं अब आगे, क्योंकि मैंने टिकट ऑलरेडी प्रीपे कर रखा है तो मुझे टिकट काउंटर पर जाकर वापस से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब वापस आऊँगा तो मुझे बस उस काउंटर पर जाना है और टिकट दिखाना है एंड वो मुझे क्लियरेंस दे देंगे। और अगर आपने पे नहीं करा है तो आप ये टिकट लेके जा सकते हो, काउंटर पे अभी नहीं जाने की ज़रूरत। जब वापस आओ तो आप जैसे काउंटर पे जाओगे वो जैसे चार्जेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो। तो सिंपल है, आप बस यार यहाँ पे अब गाड़ी लगाने वाला हूँ एंड लगा कर यहाँ से चलते हैं टर्मिनल पर। तो गाइस, मैं लेवल 1 चढ़ गया हूँ। अगर आप लेवल 1 पे पार्क कर रहे हो जो कि डोमेस्टिक पार्किंग है,
आपको लेवल टू पे आना पड़ेगा इंटर T3 पे जाने के लिए, क्योंकि वहीं से रास्ता बना हुआ है। तो अभी बस लेवल टू पे पहुंच गया हूँ और यहाँ से बस अब T3 की ओर जा रहा हूँ। सो गाइस यहाँ से वॉक करते हुए अब हम जा रहे हैं लेवल टू पे हूँ मैं, और यहाँ से Terminal 3 की ओर डिपार्चर वाली साइड भी कनेक्टेड है पार्किंग, सो एक अच्छी बात है। अपनी सिक्योरिटी हो गई है और अभी टाइम हो रहा है रात के 2:50। अब हम चलते हैं कुछ खान पान करने, तो लाउंज के एक्सेस का फ़ायदा उठाते हैं एंड लाउंज पे चलते हैं। अभी गेट्स पता नहीं है कि कौन कौन से गेट्स हैं मेरे, प्रॉब्ली एक घंटे बाद शायद पता चल जाएगा कि कौन से गेट्स हैं, कौन से एक्चुअली गेट पे जाना है मुझे। फ़िलहाल तो मैं लाउंज की तरफ जा रहा हूँ, पर एक बार फिर भी चेक कर ले रहा हूँ। ओके सो गेट नंबर आ गया, इट्स 39 ये। ओह इधर भी शॉप्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल में होते हैं, इधर भी शॉप्स हैं, सब है भी इधर फलाफल एक्सप्रेस। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ लाउंज की तरफ जो कि है प्रीमियम प्लाजा लाउंज। भीड़ ज़्यादा है नहीं क्योंकि डोमेस्टिक है, तो रात में अपने यहाँ डोमेस्टिक की फ़्लाइट ज़्यादा उड़ती नहीं है, फ्लाइट्स बहुत होती हैं। देखते हैं पहले यहाँ भी लाइन है, एंट्री है या नहीं है। सो मैंने ये कुछ खाने को लिया है लाउंज में, थोड़ा बटर चिकन, राइस, थोड़ा सैलड और कोक लिया है। यहाँ पर फ़िलहाल काफ़ी भीड़ है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो इधर सारी सीट्स ऑलमोस्ट फुल है, सबकी सीट, सारी सीट्स फुल हैं। मैं तो बाहर काउंटर पर बैठ के फ़िलहाल खा रहा हूँ और यहाँ से कुछ खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करूँगा एंड प्रॉबेबली उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा अपने गेट की तरफ। अब गेट ये है कि 2 घंटे लाउंज में बिताने के बाद अब मैं अपने गेट की ओर जा रहा हूँ। टाइम हो चुका है 5:00, लाउंज में अराउंड 3 बजे आया था। बस कुछ खाया, थोड़ा सा कॉफ़ी पिया मैंने और बस बैठ के थोड़ा टाइम पास किया और अब गेट के साइड जा रहा हूँ। देखते हैं क्या सिचुएशन है, अगर सुबह तो हुई नहीं है और अभी भी 1 घंटे 10 मिनट बचे हैं फ्लाइट में, तो आगे चल के देखते हैं। तो गाइस गेट मेरा 41 है, चेंज हो गया, पहले 39 था। सो ज़्यादा वॉक नहीं है, 2-3 मिनट का ही वॉक है। गेट 37 पे हूँ फिलहाल। तो अपडेट यह है कि बोर्डिंग शुरू हो गई है एंड टाइम हो रहा है अभी 5:26। सो बस कुछ ही देर में मैं अंदर फ्लाइट में बैठ जाऊंगा एंड 2 घंटे में कोलकाता, 2 घंटे की फ़्लाइट है। सो मैं आगे मिलता हूँ आपसे। है कि कोलकाता पहुंच गया हूं मैं और अभी बज रहे हैं 8:30 और जस्ट वेटिंग फॉर माई लगेज। उसके बाद यहां से निकलेंगे अपन होटल के लिए और फिर आगे मैं आपको होटल का अपडेट देता हूं, क्योंकि 12 बजे मेरा वो USB का बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है। बस फ़ायदा ये है कि जो लोकेशन है वो मेरे होटल के जस्ट बाजू में जो गया 10 किलोमीटर दूर। सो आई थिंक जल्दी पहुँच जाऊँगा यहाँ से होटल, प्रॉब्ली 30-35 मिनट्स लगने वाला है। सो आई थिंक बाई 10 होटल पहुँच जाऊँगा एंड देन वहाँ से मैं आपको अपडेट देता हूँ। मैंने अभी ऊबर कर लिया है और अब एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहा हूँ। प्रॉब्ली अराउंड 45-50 मिनट्स लगेगा क्योंकि दुर्गा पूजा के कारण काफ़ी ट्रैफिक है अभी यहाँ पर। और ये देखो भाई यहाँ से कोलकाता शुरुआत हो चुकी है और अभी तो वेदर भी सही दिख रहा है, इट्स नॉट वेरी ज़्यादा गर्मी पर हाँ ठीक है।
होटल पहुंच गया हूँ। ऑलमोस्ट एक घंटे लगा मुझे एयरपोर्ट से आने में, थोड़ा दूर है ये जो जहाँ पे मैं रुका हूँ, एक्चुअली सेंटर है कोलकाता सिटी का, यहाँ से सब कुछ पास में है एंड प्लस जहाँ मुझे जाना है वो बहुत ही पास में है। और मैं अभी कैनिंग वर्थ होटल में ठहरा हूँ एंड ये है मेरा कमरा। सो ये देखो ये है मेरा रूम, काफ़ी अच्छा है इनका रूम। आज भाई ऑफिस का काम इधर ही होने वाला है शाम को। और ये छोटा सा बाहर का एरिया है, इधर आप बाहर नहीं जा सकते, ये लॉक्ड है। इट्स काइंड ऑफ छोटा सा बालकनी पर नॉट एक्सेसिबल। और कुछ बाहर ऐसा है, वेदर ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है तो सही है। सोफा हो गया अपना, बैग, और ये रहा मेरा वॉशरूम। और अब हम जल्दी से फ्रेश होते हैं, और अभी है मेरे पास एक घंटा, उसके बाद मैं निकलूँगा अपना वो US वीज़ा का बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए, एंड वो करने के बाद फिर हम निकलेंगे घूमने को। निकल चुका हूँ मैं बायोमेट्रिक के लिए, और ये होटल से बस आई थिंक 10 मिनट की दूरी पे है वो टावर, जैस्मिन टावर, जहाँ पर मुझे जाना है। और वेदर की बात करूँ तो वेदर काफ़ी अच्छा है यार, पसीने से नहीं आ रहे यहाँ पर, इसलिए सही है। तो फटाफट बायोमेट्रिक करते हैं एंड वहाँ से उसके बाद कुछ खाने को जाएंगे। आगे मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस अपडेट ये है कि बायोमेट्रिक हो गया है, और टोटल टाइम है इस प्रोसेस में कितना लगा, तो इट वाज लाइक 2 मिनट्स। सो 2 मिनट के लिए मैंने दिल्ली से कोलकाता फ्लाई किया है, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि कहीं पे और अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, बायोमेट्रिक हो या फिर पर्सनल इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं, यही दिक्कत है। सो जो जहाँ मिल रहा है लोग वहाँ आ रहे हैं, स्पेशली इधर मैंने देखा लोग तमिलनाडु से आए हुए हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट उधर नहीं थी। तो हाँ भाई भीड़ बहुत है, और मैं इस बात पे गलत था, गर्मी नहीं है भाई, ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। सो मैं शायद मैं होटल से निकला था इसलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं थी, पर अब ह्यूमिड हो गई है इसलिए पसीने आ रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल होटल वापस जा रहा हूँ, और उसके बाद सोचा टी शर्ट चेंज कर लूँ, टी शर्ट थोड़े पसीने ज़्यादा आ रहे हैं एंड देन उसके बाद खाने को निकलते हैं। बताना भूल गया मैं आप लोगों को, यहाँ मोस्ट ऑफ द रास्ते जो है मैंने अभी नोटिस किया सब वन वे, तो इसके वजह से शायद यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा लगती नहीं, ट्रैफिक थी ऐसी बात नहीं है, पर हाँ वन वे के कारण ट्रैफिक स्मूथ है। और मैं कोलकाता वैसे भी आया हूँ ऑलमोस्ट 20 साल के बाद, या इट्स लाइक 21 ईयर्स, मैं 2001 में शायद आया था, उसके बाद अब आ रहे हैं एंड इट्स अ ड्रास्टिक चेंज। मतलब इट्स लाइक मुझे तो ये अभी फिलहाल दिल्ली से बेटर है, ये साफ सफाई में यहाँ कुछ ज़्यादा ही ध्यान है, आई थिंक बहुत क्लीन है और ग्रीनरी भी अच्छी खासी है यार इधर को। तो हाँ एंड बेस्ट थिंग मुझे ये लगा, जैसे न्यूयॉर्क में है मोस्ट ऑफ द थिंग्स वन वे, सो सेम यहाँ पे, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द सिटीज के हवाई अड्डे पर, हाँ जैसे वहाँ पे मैंने देखा था वन वे, बस होटल में रखा से 7-8 मिनट में पहुँच जाऊँगा, 5 मिनट रेस्ट करूँगा एंड देन फिर वहाँ से निकलते क्योंकि भूख लगने लगी है बहुत ज़्यादा। बस अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, होटल गया था वापस और वहाँ शर्ट चेंज कर लिया ब्लैक वाला, पहले सोचा ऊबर ले लूँ पर आई थिंक इट्स बेयरेबल, तो 1.3 किलोमीटर्स का ही वॉक था, मैंने सोचा क्यों ना वॉक कर लेते हैं, और देख भी लेंगे, और धूप थी नहीं तो इसलिए मैंने सोचा कि वॉक करना ही बेटर है, तो आई एम जस्ट वॉकिंग, और 4-5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो फ्लरीज करके एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे जा रहा हूँ मैं फिलहाल, तो वहाँ के सैंडविचेस बहुत फेमस है, सो लेट्स ट्राई दैट।